प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले मोर्चा संभालिए क्योंकि आलोक शर्मा जी आप पर जबरदस्त प्रहार करने वाले हैं, तमाम बातें वो कहेंगे। लेकिन जो एक व्यक्ति और व्यक्तित्व के इर्द गिर्द बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स है उसको लेकर विपक्ष आपको कटघरे में खड़ा करता है। विपक्ष का कहना है कि मोदी पर आपकी प्रधानमंत्री थोड़ी, यहां पर तो चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करने का चुनाव है ना। देखिए चीफ मिनिस्टर जो है वो प्रधानमंत्री जी, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का अनुसरण करने वाला मुख्यमंत्री है। और अगर हमारे पास व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व के आधार पर तो कांग्रेस भी चुनाव लड़ती थी। किसी जमाने में पंडित नेहरू इनके व्यक्तित्व थे, कभी इंदिरा गांधी इनके व्यक्तित्व थी, कभी राजीव गांधी इनके व्यक्तित्व थे। अब इनके व्यक्तित्व को ग्रहण लग गया है, अब इनके पास व्यक्तित्व है ही नहीं है। कापर करूं सिंगार पिया मोरा अंधर, तो मेरी क्या गलती है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की उसमें क्या गलती है बताइए? भारतीय जनता पार्टी की नीतियों रीतियों में इसमें क्या गलती है? आलोक जी वो कह रहे हैं कि हमारे पास मोदी है, आपके पास क्या है? मोदी मोदी नहीं है इनके पास, इनके पास करोड़ों रुपए के प्रचार हैं, पूरे पूरे पेज के एडवर्टीजमेंट हैं। बीजेपी कहती है, उल्टा पकड़ा हुआ है आपने। बीजेपी कहती है कि 30 किलोमीटर का हमारा रोड शो है, मीडिया के चैनल चलाते हैं 50 किलोमीटर का रोड शो है। तमाम अखबार और मीडिया चैनल वही चला रहे हैं जो जानकारी रोड की मिली है। आपकी शिकायत तो खत्म ही नहीं होती, जरा एक बार सवाल का जवाब दीजिए ना, जवाब कि आपके पास कौन है वो विश्वसनीय नेतृत्व जिसको लेकर आप बात करेंगे? काहे गुस्सा होते रहते हैं सर मीडिया पर सुबह से शाम तक? मैं ये फोटो लेकर आया हूँ, एक व्यक्ति लाखों लोगों के साथ पैदल चल रहा है। अरे राहुल गांधी पर कितने हमने भारत जोड़ो यात्रा पर कितनी बहस की है? आलोक शर्मा जी तब आपकी आंखें बंद हो जाती हैं क्या जब हम भारत जोड़ो यात्रा पर कवरेज करते हैं? मेरी जब मौसमी हमारी सहयोगी वहां से लाइव करती है, हम लोग डिबेट करते नहीं है। हाँ आंखें कुछ लोगों की बंद है जो गोधरा में ट्रेन में बैठे हैं आज भी, आंखें उन लोगों की बंद है जो आज भी तिलक लगाकर और मंदिरों से शो कर रहे हैं। ये आज ही का शो है जगदीश ठाकुर जी का और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका, किसी चैनल पर नहीं दिखाई दिया है। लेकिन मैं कहूंगा कि कंपैरिजन जरूर दिखा दीजिएगा, एक जगदीश ठाकुर जी की सभा और ये हमारी परिवर्तन रैली के फोटो हैं। पांच परिवर्तन रैली गुजरात में निकली, इनको कंपेयर कर दीजिए एक बार जरा मोदी जी के जो करोड़ों रुपए खर्च करके आज रोड शो हुआ है उससे बेहतर। उसके बाद एक और आरएनडी आज हुई। ठीक है सर, मान गए आप स्वीप कर रहे हैं गुजरात, ठीक है स्वीप कर रहे हैं ना सर, अब आप चुप हो गए। ये आज का वीडियो है, एम्बुलेंस थी, ये एम्बुलेंस 4 मिनट तक वहां पर पहले खड़ी रखी गई, लेकिन उस एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया और उसके बाद सुनिए ना मैम, पीएम के काफिले में नौटंकियां हो रही हैं। क्या नौटंकियां? ये 5 मिनट 4 मिनट तक एम्बुलेंस खड़ी रहेगी और उसके बाद जब पीएम का काफिला आएगा तो उसके बाद उसको रास्ता दिया जाएगा। जैसे एम्बुलेंस आई है मेरे सामने नहीं सब कुछ हो रहा था सर, हम लोग वहीं पर मौजूद थे। मेरे पास वीडियो है, आज हमने भी एम्बुलेंस के पास पूरा वीडियोग्राफी करवाई। तो एक वीडियो लेके आप बैठे हुए थे क्या एम्बुलेंस में? बिल्कुल, हमने वीडियोग्राफी कराई है, एम्बुलेंस के साथी थे, एम्बुलेंस काफिले से पहले आकर खड़ी हुई। ये देखिए 2 मिनट का एम्बुलेंस है, 2 मिनट की रिकॉर्डिंग तो मेरे हाथ में, और उसके बाद काफिला आता है फिर एम्बुलेंस आगे बढ़ती। ये काफिला है, ये गुजरात मॉडल है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक सेकंड सर मैं लौट रही हूं आपके पास। दरअसल सुभाष सर्कल की ये तस्वीरें हैं जहां पर अब पीएम का काफिला पहुंच गया है, अलग अलग हिस्सों से होता हुआ चांदखेड़ा तक उसे पहुंचना है। और इस रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री सिर्फ अहमदाबाद या अहमदाबाद की सीटों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, उन्हें एहसास है कि आखिरी दौर के मतदान में पूरी तरह से ताकत झोंकने के बाद, क्योंकि आज सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में एक तरह से वोटिंग हो चुकी है, अब आधी बची जो सीटें हैं उनमें पूरी ताकत इसी रोड शो के जरिए। अहमदाबाद उनका ग्राउंड है, एक तरह से आप कह लीजिए होम ग्राउंड है, और होम ग्राउंड पर बैट्समैन जब उतरता है तो केतन साहब ठीक है पूरी कर लीजिएगा, पूरी कर लीजिएगा। रोड शो आज 3:30 बजे शुरू होना था, आज की वोटिंग को प्रभावित करना था। तमाम अखबार कहाँ शुरू हुआ लेकिन सारे, सुनिए ना मैम, सुनिए तो सही, ठीक है उसके बाद हमारे साथ चित्रा, प्रधानमंत्री का वहां पर काफिला पहुंच गया है 11 बजे जब कांग्रेस पार्टी ने पूरा अपना विरोध दर्ज। आ रही हूँ, आ रही हूँ।
नजर आ रहे हैं और बेताबी बेकरारी जो लोगों की थी काफी देर से यहां पर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी को भी निराश नहीं किया और यहां पर चारों तरफ जहां जहां लोग खड़े थे वहां वहां हाथ हिलाकर अभिनंदन किया और नेताजी नेता बाबू की तस्वीर पर जाकर, सुभाष बाबू की तस्वीर पर जाकर उन्होंने ये जो बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है आपको बता दें कि वहां पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ आते हुए, चूंकि भीड़ यहां पर बहुत ज्यादा है और यकीनन प्रधानमंत्री की कोशिश होगी कि जितने भी लोग उनको देख रहे हैं किसी को भी निराश नहीं करते हुए हाथ हिलाकर सभी का वंदन यहां पर करते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के तौर पर दो दो बार जिस तरह की जीत उन्होंने अभूतपूर्व तरीके से हासिल की और गुजरात की लोकसभा की पूरी सीटें नरेंद्र मोदी को गुजरात की जनता दे देती है। और अगर विधानसभा चुनावों की भी बात करें तो वहां पर भी कमाल का प्रदर्शन मोदी के इसी चेहरे की बदौलत उनकी सूरत को देखने के लिए, देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और सभी का हाथ हिलाकर अभिनंदन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपके सामने हैं। सभी को हाथ हिलाकर यहाँ पर जो हमारी तरफ खड़े हुए लोग हैं उन सभी को हाथ हिलाकर सभी का अभिनंदन करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। अब यहाँ से उनका ये जो काफिला है वो आगे की तरफ बढ़ेगा और अब थोड़ी देर के बाद इस काफिले का, इस जो रोड शो का समापन का जो वक्त है वो भी करीब आ गया है। और यहाँ से देखिए चारों तरफ से आप अलग अलग सर्कल से इस पूरे सर्कल को एक गोल चक्कर लगाकर फिर आगे की तरफ सीधे जाएंगे और फिर वहां से राइट चांदखेड़ा की तरफ। देखिए उनकी गाड़ी किस तरह से लोगों के बिल्कुल नजदीक जा रही है, जो लोग उस तरफ भी खड़े हुए हैं उनके बिल्कुल पास जा रही है, किसी को भी निराश नहीं करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ पर यही गजब का उत्साह है, मोदी के नाम का ये उमंग है, नरेंद्र मोदी के चेहरे का ये उल्लास है जिस